इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है इनका, जैसे ये आपके टाइम और टाइम को रिड्यूस करते हैं। फिर साइंस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका डिजिटल कंप्यूटर्स का। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशंस आर द मोस्ट न्यूमेरियस, सो डिजिटल कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड टू डू लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन द ह्यूमन बीइंग। एक इंसानी दिमाग के मुकाबले में ना ज्यादा स्पीड से ये काम कर लेते हैं। अल्टीमेटली डिजाइन तो ह्यूमंस ने किया है, इंसानों ने ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसको यूटिलाइज करवाए हैं। सो ये काफी पावरफुल मशीन्स होती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप आती है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि आपके पास जो मिक्सचर फॉर्म होती है ना डिजिटल और एनालॉग की, आपके एनालॉग और डिजिटल की जो मिक्सचर फॉर्म होती है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि अ कंप्यूटर विच पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें पोजेसेस होती हैं दोनों तरह की खसूसियात, एनालॉग की भी और डिजिटल की भी, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सम कंप्यूटर्स कंबाइन द फंक्शंस ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स, सो दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। कुछ कंप्यूटर में दोनों तरह की खसूसियात होती हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको जो इमेज दिखाई गई थी ईसीजी की, ठीक है, कार्डियक के अंदर जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है, ये ईसीजी जो दिल की शरियानों को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जो ग्राफ एक होता है, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसे है कि डिजिटल फॉर्मेट में काम हो रहा है लेकिन है एनालॉग, वर्किंग सारी एनालॉग बेस पे कर रहा है काम। सो एनालॉग और डिजिटल मिक्सचर फॉर्म के अंदर जो चीज होती है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। सीमेंट प्लांट या ईसीजी मशीन, सीएनजी पंप जो होता है, ये मिक्सचर है, हाइब्रिड है, पेट्रोल कॉन्टिन्यूटी के साथ आ रहा है लेकिन नंबर डिजिटाइज है, सो मिक्सचर फॉर्म है। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, तो मैंने कुछ टाइप्स के नाम स्टार्ट में बताए थे, हम इनको बॉटम टू टॉप की तरफ लेके जाते हैं। बॉटम टू टॉप से मुराद क्या है कि जो सबसे हाई फाई किस्म के कंप्यूटर, जो मोस्ट पावरफुल मशीन्स हैं, उनको सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज अ माइक्रो कंप्यूटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस के अगर हवाले से बात करें तो जो सबसे बेस लेवल की एक टाइप होती है उसे माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं साइज के अंदर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर्स, इन्हें पीसीज भी कहा जाता है। पीसी का मतलब आता है क्या, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो दे आर आल्सो कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर, इन्हें डेस्कटॉप भी कहते हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट एंड वेरी चीपर कंप्यूटर्स, ये बड़े सस्ते तरीन कंप्यूटर होते हैं और कॉमन है, आमतौर पर ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली मशीन होती हैं। सो दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। 1970 के करीब जब माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ था ना, तो उसी के नतीजे में ये मशीनें बनी थी पर्सनल कंप्यूटर्स की, जिन्हें माइक्रो के नाम से ही लिया गया था, क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे थे, इसलिए फिर इन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स का नाम दिया गया था। अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर मे कैरी मोर देन 100,000 ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप, और ये हिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको जरा ओवरव्यू कर लीजिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हजारों लाखों की तादाद में जो है वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बेतहाशा तादाद में होते हैं ट्रांजिस्टर्स जो मिलकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। तो साइज की बात करें तो आप पर्सनल कंप्यूटर कैन बी प्लेस्ड इजिली ऑन एनी टेबल और अ डेस्क। एक छोटी सी टेबल पे एक कीबोर्ड आता है, एक सिस्टम का डब्बा होता है, उसके ऊपर ही मॉनिटर आ जाता है, एक कीबोर्ड है, माउस, बस इतनी सी जगह चाहिए इसको। सो दैट इज अ माइक्रो कंप्यूटर। टावर भी होते हैं, ये डेस्कटॉप थे और ये टावर हैं आपके सामने। तो दोनों टाइप्स आपकी माइक्रो कंप्यूटर्स की हैं, डेस्कटॉप और टावर दोनों अवेलेबल है। इनके इस्तेमाल के वाले से बात करें तो दे आर बींग वाइडली एक्सेप्टेड एंड यूज इन बिजनेस। नॉर्मली बिजनेसमैन इनको यूज करते हैं, एट होम घरों में लोग यूज करते हैं, एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तालीमी इदारों के अंदर भी माइक्रो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। सो दे आर कॉमनली नोन एज अ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड आर यूजली सिंगल यूजर, एक वक्त में एक बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, बट कैन बी इंटरकोनेक्टेड अमंग द सेल टू फॉर्म अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए भी ये मशीनें इस्तेमाल होती हैं, अपने आप इनके अंदर नेटवर्क की ऑप्शन होती है, ये अपने आप को नेटवर्क के साथ कंबाइन करने की फैसिलिटी भी रखते हैं। इंटरनेट लगाना या
अपने यूनिवर्सिटी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना अपने लैपटॉप को आपने, तो वो नेटवर्क के साथ जो कनेक्ट होता है, आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास एक नेटवर्क का पूरा चैप्टर भी है। सो ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए भी नॉर्मली इस्तेमाल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये नॉर्मली पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये पोर्टेबल्स होते हैं। पोर्टेबल्स से मुराद क्या है? आप इजीली इनको लेके ट्रैवल कर सकते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर आल्सो नोन एज अ नोटबुक कंप्यूटर इज अ स्मॉल मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर। इन्हें मोबाइल पर्सनल MPC भी कहते हैं, मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर। यूजुअली वेविंग अराउंड फ्रॉम 1 to 3 किलोग्राम्स, 2 to 7 pounds, नॉर्मली ये साइज इसका होता है। सो बड़े साइज के भी होते हैं, वो ज़्यादा जो इसका वेट होता है उसके मुताबिक होते हैं, डिपेंड करते हैं। सो नोटबुक स्मॉलर देन A4 शीट ऑफ पेपर एंड वेविंग अराउंड द 1 kg आर टर्म्ड एज अ सब नोटबुक। नोटबुक भी एक लैपटॉप की ही टाइप होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो स्टैंडर्ड लैपटॉप होता है ना, उसके अंदर CD-ROM होती है। जो नोटबुक होती है ना, उसके अंदर CD की ऑप्शन नहीं होती, CD नहीं लगती उसके अंदर, तो इसलिए उसे नोटबुक कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो लैपटॉप्स कंटेन द कंपोनेंट दैट आर सिमिलर टू द दोज ऑन दैट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काउंटर पार्ट एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन बट आर डिजाइन फॉर द मोबाइल यूज एंड एफिशिएंट पावर कंजम्पशन और कम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया जाता है। नॉर्मली ये मशीन बनाई गई थी ट्रेवलर्स के लिए, जो ट्रेवल करते हैं, ये नॉर्मली उनके लिए मशीन डिजाइन की गई थी। तो आज के जमाने में सारे यूज ही लैपटॉप्स करते हैं। सो लैपटॉप हैव LCD डिस्प्ले फॉर आउटपुट, एक LCD इसके साथ होती है। इन एडिशन टू अ बिल्ट इन कीबोर्ड होता है इसके साथ, दे मे यूटिलाइज्ड अ टच पैड, माउस के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है, इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं, और अ पॉइंटिंग स्टिक फॉर द इनपुट। अगर आप अपने कीबोर्ड पे, अगर आपका स्मार्ट लैपटॉप है, तो उसमें देखेंगे GH और B, इनके दरमियान आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा जो पॉइंटिंग स्टिक है। आप उसके ऊपर हाथ रख के उसको लेफ्ट राइट जरा मोल्ड करें, देखें आपको नजर आएगा पॉइंट रिमूव करता हुआ। अगर नहीं है तो इट्स ओके, जो लेटेस्ट मशीन आ रही हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, उनके अंदर ये नहीं है। सो लैपटॉप्स हैव LCD डिस्प्ले फॉर आउटपुट, एक बिल्ट इन कीबोर्ड होता है, मे यूटिलाइज अ टच पैड और अ पॉइंटिंग स्टिक फॉर इनपुट, थ्रू एन एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी अटैच्ड। आप एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस भी इसके साथ लगा सकते हैं। सो लैपटॉप्स आर जनरली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स एंड बिजनेसमैन, जिनका सफर से रिलेटेड ज्यादातर काम होता है। So laptops are capable of many of the same tasks that desktop computer perform. जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं ना, नॉर्मली ये सारे काम वही करते हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें वो चेंजिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो वही उसी तरह के काम सारे करते हैं और तकरीबन होते भी वही हैं एक तरह के। तो एग्जाम्पल में बात करें, NEC की मशीन है, HP है, जोनाडो 720 मॉडल किसी ज़माने में चलता था HP का, आपका पता नहीं कि अवेलेबल है या नहीं है। सो कॉम्पैक है, HP के लीड बुक है, प्रोबुक है, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे जो है वो मॉडल्स लैपटॉप्स के अवेलेबल है। लैटिट्यूड है, वो पवेलियन सीरीज है, G सीरीज जो है वो HP की, तो ये फेमस वो सीरीज हैं जो चल रही है मार्केट में। नेक्स्ट है जी पामटॉप्स, इन्हें PDAs भी कहते हैं, हैंड लैपटॉप्स जो होते हैं पामटॉप्स, जो हाथों की तली के अंदर आ जाते हैं। पाम कहते हैं आपकी हाथ हथेली को, तो पाम टॉप इसके जो हाथों में जो मोबाइल आते हैं, मोबाइल फोन टाइप के होते हैं। अ स्मॉलर कंप्यूटर दैट लिटरली फिट इन योर पाम, आपके हाथों में फिट हो जाते हैं, कंपेयर टू द फुल साइज कंप्यूटर्स पाम टॉप्स आर लिमिटेड। ये पूरी फुल फीचर्ड नहीं होते हैं, लिमिटेड फीचर्स होते हैं, बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शंस सच एज अ फोन बुक एंड कैलेंडर्स। स्टार्टिंग में जब ये मोबाइल फोन का कॉन्सेप्ट आया था ना, तो ये PDAs टाइप के थे, मतलब इनमें स्पेसिफिक काम थे, फोन बुक थी सिर्फ या सिर्फ कैलेंडर थे, इस तरह के ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। तो देयर आर आल्सो कॉल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इन्हें पॉकेट कंप्यूटर्स भी कहते हैं, PDA भी कह देते हैं। तो PDA का मतलब क्या है? पॉकेट डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल डाटा असिस्टेंट या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको पॉकेट डिजिटल असिस्टेंट या पर्सनल डाटा असिस्टेंट कहते हैं। वर्किंग के हवाले से बात करें, द प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द PDA इज अ स्टाइलस, एक पेंसिल होती है अलग सी, जैसे यहाँ पे देखें तो ये जो आपको पेंसिल नजर आ रही है, ये स्टाइलस है इसका। अ स्टाइलस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन एंड लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉल पॉइंट पेन, एक बॉल पॉइंट की तरह नजर आ रहा होता है। तो दिस
input device is used to write the notes and store in the PDA by touching the screen. Touch screen पे normally ये काम normally ये touch screen वाले PDAs होते थे. अभी भी हैं, mobile phone की form में ये PDAs ही हैं.